इन्हें भारत के पहले स्टेट कॉमेडियन की उपाधि हासिल है। इस शख्स को 13 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जॉन प्रकाश राव की, जिन्हें हम लोग जॉनी लिवर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय कॉमेडियन अभिनेता बनकर जॉनी लिवर ने जितना ऊंचा नाम हासिल किया है, उतना ही अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है, जिसने जॉनी को स्ट्रांग बनाया और जिंदगी के इस पड़ाव पर लाकर खड़ा किया है जहां वो सर उठाकर जी सके। क्योंकि जॉनी लिवर एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। जॉनी लिवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 14 अगस्त ईयर 1956 में हुआ था। जॉनी लिवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। जॉनी के एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की है। जॉनी लिवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके में बीता है। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लिवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण जॉनी केवल 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। घर पर खाने के लिए अन्न हो, इसलिए जॉनी स्कूल के बाद छोटे मोटे काम कर पैसे कमाया करते थे। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमूला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो घर पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी से भी लड़ जाते थे। इसलिए जॉन जब 13 साल के रहे होंगे और उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो सुसाइड का प्लान बनाकर वो ट्रेन की पटरी पर जा पहुंचे। फिर उन्होंने जब अपने परिवार के बारे में सोचा तो वहां से खड़े हुए और घर चले गए। जॉनी लिवर मुंबई की गलियों में बॉलीवुड सितारों की नकल कर पेन बेचने का काम किया करते थे। इसके साथ ही वे कलाकारों की तरह डांस भी किया करते थे। बाद में घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। घर में बड़े होने के कारण घर की कंडीशन को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लग गए। जॉन ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में 6 साल तक जॉब की। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी की कला को निखारने का मौका मिला। वे खाली समय में अपने कोवर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाया करते थे। और एक बार कंपनी में जॉब के दौरान एक फंक्शन में जॉनी ने कुछ सीनियर अफसरों की मिमिक्री की, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लिवर पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इसी नाम से खुद को लोगों से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जॉनी लिवर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट था फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की मिमिक्री करना। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो के वक्त सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लिवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया था। दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नसरुद्दीन शाह के साथ देखे गए थे, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजी करके साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। जॉनी लिवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। जॉनी लिवर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वे मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष हैं। जॉनी ने कई फेमस फिल्मों में काम भी किया है, जैसे कि बाजीगर, बादशाह, तेजाब, काला बाजार, बंद दरवाजा, हेलो ब्रदर, क्रोध, करण अर्जुन, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फर्ज, आशिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जॉनी की अब पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जॉनी लिवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जेमी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनके बेटे का नाम जैस है। बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं जो आपने जॉनी के बारे में कभी सुनी ही नहीं होंगी। जैसे कि एक है कि जॉनी की बेटी जेमी ने बताया कि जॉनी काफी स्ट्रिक्ट हैं और वो आज भी उनकी परमिशन लेकर ही फिल्म देखने बाहर जाती हैं और वो देर रात तक बाहर नहीं रुक सकती हैं। दूसरा कि जॉनी को एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना वे कसरत करते हैं और ना ही किसी तरह का योग करते हैं। वो खाने के काफी ज्यादा शौकीन हैं और उन्हें सबसे ज्यादा साउथ इंडियन डिश पसंद है और उसमें से सांबर और राइस उनकी फेवरेट डिश है।
जॉनी की सुबह सुबह वर्ड पजल खेलने की आदत है। वे रोज क्रॉसवर्ड भरा करते हैं। तो ऐसे मुंबई की गलियों में पेन बेचने से लेकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने तक जॉनी ने काफी स्ट्रगल किया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल वी फॉर इनोवेटिव को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड टेक केयर। इन्हें भारत के पहले स्टेट कॉमेडियन की उपाधि हासिल है। इस शख्स को 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जॉन प्रकाश राव की, जिन्हें हम लोग जॉनी लिवर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय कॉमेडियन अभिनेता बनकर जॉनी लिवर ने जितना ऊंचा नाम हासिल किया है उतना ही अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है, जिसने जॉनी को स्ट्रांग बनाया और जिंदगी के इस पड़ाव पर लाकर खड़ा किया है जहां वो सर उठाकर जी सके। क्योंकि जॉनी लिवर एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। जॉनी लिवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 14 अगस्त ईयर 1956 में हुआ था। जॉनी लिवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। जॉनी के एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की है। जॉनी लिवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके में बीता है। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लिवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण जॉनी केवल 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। घर पर खाने के लिए अन्न हो इसलिए जॉनी स्कूल के बाद छोटे मोटे काम कर पैसे कमाया करते थे। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमूला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो घर पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी से भी लड़ जाते थे। इसलिए जॉन जब 13 साल के रहे होंगे और उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो सुसाइड का प्लान बनाकर वो ट्रेन की पटरी पर जा पहुंचे। फिर उन्होंने जब अपने परिवार के बारे में सोचा तो वहां से खड़े हुए और घर चले गए। जॉनी लिवर मुंबई की गलियों में बॉलीवुड सितारों की नकल कर पेन बेचने का काम किया करते थे। इसके साथ ही वे कलाकारों की तरह डांस भी किया करते थे। बाद में घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। घर में बड़े होने के कारण घर की कंडीशन को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लिवर फैक्ट्री में काम करने लग गए। जॉन ने हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड कंपनी में 6 साल तक जॉब की। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी की कला को निखारने का मौका मिला। वे खाली समय में अपने कोवर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाया करते थे और एक बार कंपनी में जॉब के दौरान एक फंक्शन में जॉनी ने कुछ सीनियर अफसरों की मिमिक्री की, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लिवर पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इसी नाम से खुद को लोगों से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया।